शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद इमादुद्दीन नवीद। मैं स्टार मार्शल आर्ट फिटनेस क्लब का मैनेजिंग डायरेक्टर और इंडियन नेशनल कोच ऑफ मुआय थाई एंड मिक्स मार्शल आर्ट का जनरल सेक्रेटरी हूँ। रिसेंटली जो एमएमए की चैंपियनशिप हुई थी मुंबई में 16 तारीख को, काफ़ी इंडिया से रिप्रेजेंट करे थे लोग इस एमएमए चैंपियनशिप में। एमएमए का मतलब है मिक्स मार्शल आर्ट। ये मार्शल आर्ट, ये पूरे मार्शल आर्ट को मिक्स करके एक गेम बनाया गया है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत ही फेमस है। और अल्लाह का फजल है, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे वालिद मोहतरम हाफिज़ बुखारी मोहम्मद सरादीन जावी साहब की मेहनत का नतीजा है कि आज तेलंगाना में पहली औकत एमएमए का फर्स्ट नेशनल टाइटल बेल्ट हम हासिल कर चुके हैं, जो मोहम्मद जुबैर है मेरे बाजुक। माशाल्लाह, ये वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट और पावरफुल फाइटर है एमएमए के। और अल्हम्दुलिल्लाह प्राउड है कि अपने हैदराबाद का बच्चा है, तेलंगाना का, ये फर्स्ट टाइम एमएमए का बेल्ट यहाँ पर लाया है, जो मुंबई में चैंपियनशिप हुई थी, नेशनल चैंपियनशिप। और इसके बारे में आपको और डिटेल हमारे प्रेसिडेंट मिस्टर जलालुद्दीन साहब और ज़ुबैर ख़ुद बोलेंगे इंशाल्लाह। और कुछ बोलना है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और मेरे कोचेस का और मेरी टीम का शुक्र अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद ज़ुबैर है। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, उसके बाद मेरे कोचेस का, उसके बाद मेरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं 5 साल से मेहनत करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल टाइटल हासिल करा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कोच सुबहान सर, नवीद सर और जलाल भाई, साहिब भाई, ज़ुबैर भाई, इन लोग सपोर्ट करें मुझे इंशाल्लाह, और इंटरनेशनल टाइटल भी हासिल करूँगा इंशाल्लाह। जदाकल्लाह। शहर में कहाँ पर रहते? मैं हाफिज़ बाबा नगर में रहता हूँ। हाफिज़ बाबा नगर में आपको जो है आपके फ्यूचर प्लानिंग क्या है यहाँ पे? मेरा फ्यूचर प्लान इंशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल पे खेलने का है। कितने घंटे, कितने आवर्स आप जो प्रैक्टिस करते हैं? मैं 4 ईयर्स को 4 घंटे करता हूँ डेली चार घंटे। आपका जो फाइनल मैच हुआ है कैसा लगा आपको जब फाइट लड़ते हो? बहुत टफ था फाइट, खेलने में बहुत मज़ा आया। अच्छा है सर, कौन से स्टेट्स के आए थे और कितने स्टेट्स के आए थे? ये कंपटीशन एक्चुअली दिसंबर की है, 10 से लेके 16 तक था, ऑलमोस्ट 5-6 दिन था एक्चुअली। इसमें यहाँ पर जो रहता चैंपियनशिप, इतने दिन का नतीजा ये है कि पहले उसका वेइंग होता है, मेडिकल टेस्ट होता है, ये सब देखने के बाद ही चैंपियनशिप होती है। ये चैंपियनशिप में ऑलमोस्ट 12 से 13 स्टेट पार्टिसिपेट करे थे और 150 फाइटर इसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि नेशनल लेवल है ये, इसमें सेलेक्टेड फाइटर ही पार्टिसिपेट करते हैं ये। और ज़ुबैर ऑलमोस्ट 5 दिन नॉनस्टॉप फाइट करे, टोटल 6 फाइट्स हुए हैं उनके। 6 फाइट्स करने के बाद फाइनली ही गॉड आवर टाइटल बेल्ट चैंपियन का खिताब मिला है। और बिटवीन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की वजह से पूरे इंडिया में हमारे फर्स्ट रनर अप चैंपियन कप ट्रॉफी भी ऑनर हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। किससे मैच हुआ था जो फाइनल? ये डिफरेंट स्टेट्स हुआ था। आप फाइनल में जो आए थे, फाइनल जो स्टेट था इन जो पार्टिसिपेट जो हुआ था, मुंबई का फाइटर था, ही आल्सो वेरी गुड फाइटर, बहुत ही टफ कॉम्पिटिशन था उनका, दोनों के बीच में 3 राउंड लड़े हैं माशाल्लाह। मैं वीडियो आप लोगों को फॉरवर्ड करूँगा, आप देख सकते हैं इनकी फाइट का किस तरीके से फाइट कर रहे हैं और अपने तेलंगाना का, अपने इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं। आपके स्टूडेंट्स को आप कुछ पैगाम देना चाहिए? मैं तो स्टूडेंट के अलावा भी पूरी आवाम से ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप अपने सेहत का ख्याल रखिए। एक मार्शल आर्ट एक ऐसी चीज़ है फिटनेस में जो आपको लाता है, सेहत, आपका स्टैमिना, आपका पावर, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत आता है। ज़ुबैर जब यहाँ पर आए थे 5-6 साल पहले, उनका लेवल अलग था, आज पूरे इंडिया में अल्हम्दुलिल्लाह फेमस है और चैम्पियन बन चुके हैं। तो मैं सबसे गुजारिश करता हूँ बच्चों, छोटों से लेके बड़ों तक, आप जिम करो, मार्शल आर्ट करो, कोई भी स्पोर्ट्स करो आप, मगर अपने आप को सेहतमंद रखो आप। ये चैंपियनशिप कहाँ पर होता है? ये मुंबई में हुई थी, ये महाराष्ट्र में। आपके जो प्लेयर जीत कर आए हैं वो कितने साल से आपके पास प्रैक्टिस कर रहे हैं? ज़ुबैर जो अभी मेरे टोटल से 5 फाइटर्स गए थे यहाँ से, जिसमें से शेख जैन ज़ुबैर है और उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल आया, मिर्ज़ा असलम बेग, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट फाइटर, अनफॉर्चुनेटली इनको ब्रॉन्ज मेडल आया, और मोहम्मद ज़ुबैर थे और एक अफरोज थे। तो ये चार फाइटर्स थे और 3 ऑफिशियल टीम थी, जो हमारे प्रेसिडेंट मिस्टर जलालुद्दीन साहब थे और ज़ुबैर जो रेफरी थे और मिस्टर मुश्तबा एंड सैफ जो टीम मैनेजर और टीम कोच थे, और कौन थे सर? मिस्टर ताहिर, ये हमारी ऑफिशियल टीम थी। और साथ में एक हमारा फिजियोथेरेपी भी, डॉक्टर भी साथ में, क्योंकि एमएमए इज़ वन ऑफ द टफ एंड स्ट्रॉन्गेस्ट गेम, तो इसलिए हमारे साथ में फिजियोथेरेपी, डॉक्टर और इनका पूरी टीम के साथ हमारे फॉरवर्ड करना पड़ता है चैंपियनशिप में, बिकॉज दिस आर स्पोर्ट्स, सो वी हैव टू टेक केयर फॉर एवरी सिंगल थिंग। आपकी टीम? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद जलालुद्दीन ज़फ़र, मैं MMAAT का प्रेसिडेंट हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह स्टार तेलंगाना का मैं यहाँ का मैनेजर भी हूँ मैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी टीम गई ये माफी चैम्पियनशिप जो
ऑल ओवर इंडिया से फाइटर्स आए थे, 150 फाइटर्स आए थे और तेलंगाना में पहली मरतबा बेल्ट ये स्टार से ही आया। आज तक ना तो एमएमए में आया, ना तो मोथाई में, किसी में नहीं, कोई क्लब वाला नहीं ला सका, सिर्फ ये स्टार वाला ला सका। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे ऐसे फाइटर्स को सपोर्ट करिए, जितना हो सके उनको दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह हम और ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पे हम लेके जाना चाह रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो नेशनल लेवल पे कई फाइटर्स आ चुके हैं, नेशनल लेवल पे बेल्ट भी आ गया। आप लोग की दुआ और आप लोगों का सपोर्ट रहा तो इंटरनेशनल लेवल पर भी हम ले जाएंगे। हाँ इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं हुकूमत से भी जाके रिप्रेजेंट करने के लिए उनको, वो लोग अगर मौका दिए तो, अगर हुकूमत का साथ रहा तो हम और आगे बढ़ा सकते हैं, हमारा तेलंगाना का नाम पूरी दुनिया में मशहूर कर सकते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद आदिल 99 टीवी में आपका इस्तकबाल करते हैं। आज मेरे साथ यहाँ पर चैंपियंस है, चैंपियन के साथ साथ यहाँ पर कोच भी मेरे साथ है, जो कि बच्चों को उभारने का एक बेड़ा उठाया है। ये मालूम करते हैं हमारे नवीद साहब, यहाँ के कोच है एमएमए के। तो नवीद साहब, आपका जो प्लेयर है, आपका जो स्टूडेंट है, आज जो है चैंपियन होकर आया, आपको कैसा महसूस लग रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, ऑब्वियसली माशाल्लाह बहुत ही प्राउड फील होता है। वो तो मार्शल आर्ट में जो है सबसे स्ट्रॉन्ग और पावरफुल गेम बीस मार्शल आर्ट है, जिसमें हमारा बच्चा पार्टिसिपेट करा है एमएमए चैंपियनशिप में, और तेलंगाना में फर्स्ट औकत टाइटल बेल्ट मिला है, हासिल हुआ है। क्यों, तभी तक तेलंगाना की हिस्ट्री में आज तक कोई बेल्ट नहीं लाया है एमएमए का। तो ये सब अल्लाह के फजल से, अल्लाह का शुक्र है, और अलहमदिल्ला मेरे वाली साहब की मेहनत है, जो हाफिज़ सुखारी मोहम्मद सलाउद्दीन जावेद साहब मरहूम, उनकी वजह से आज पूरी ओल्ड सिटी में, पूरे इंडिया में, तेलंगाना में अल्हम्दुलिल्लाह हर बच्चा ये गेम को खेल रहा है और नाम रोशन कर रहा है। जी नहीं, अपने नवीद साहब ये बताइए कि जो है आपके जो प्लेयर को तैयार करें, कितने दिन लगा, कितनी मेहनत लगी उनको तैयार करने के लिए इस चैंपियनशिप? जैसे कि आपको एक छोटा सा बात बोलना चाह रहा हूँ कि मतलब मार्शल आर्ट इतने फॉर्म से, कराटे, कुंफू, ताइक्वांडो, वुशु, मुआय थाई, एमएमए, ये पूरे मार्शल आर्ट का एक मिक्स है, कॉकटेल। तो ये गेम को तैयार करने के लिए कम से कम, अगर नॉर्मल भी आप स्टेट चैंपियनशिप लड़ेंगे तो कम से कम इसको 9 से 1 साल होता है उसको। क्यों, तो ये क्या है, एक पूरे गेम का फॉर्म आना ज़रूरी है जी। इसमें ग्रैपलिंग भी है, रेसलिंग है, दंगल के थोड़े मूव्स है इसके अंदर, बॉक्सिंग पंचेस है इसमें, उठा के फेंकना है इसमें, मतलब कंप्लीट टोटल रफ है ये। इसलिए इसको प्रोफेशनल टेक्निकल तरीके से उसको करेंगे बच्चा, तो 8 महीने से लेके 1 साल तक उन्हें स्टेट लेवल कर सकता। नेशनल चैंपियनशिप के लिए इसको कम से कम 2 साल होना जी। अच्छा, इसके अंदर कुछ स्पेशल डाइट दिया जाता है, क्या रहता है? जी हाँ भाई, इसमें एक्चुअली डाइट बहुत ज़रूरी है, कि वो तो इसमें वेट कैटेगरी रहती है। आप इसमें एक आधा किलो भी बढ़ गया इसमें वेट, तो बच्चा पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तो इसमें इतना केयरफुल रखना पड़ता है एथलीट को, उसकी बॉडी कंडीशन, उसका स्टैमिना, इसका थोड़ा सा वेट बढ़ गया तो डिस्क्वालीफाइड भी हो सकता है जी। आपके कुछ और भी जो है अपने मुस्लिम माशरे के लिए और आपके स्टूडेंट्स के लिए कुछ पैगाम देना चाहिए? मैं तो यही कहूँगा कि अब तो हमारी ये, मैं 4th जनरेशन हूँ माशाल्लाह से, मेरे परदादा, मेरे दादा, मेरे वालिद साहब, फिर मैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये तो स्टार जो हमारा क्लब है, स्टार मार्शल आर्ट फिटनेस क्लब, टोटल अपने हैदराबाद तेलंगाना में 13 मार्शल आर्ट क्लब से अलग अलग जगहों पे। मैं तो पूरे गुजारिश करता हूँ पूरी आवाम से, पूरी यूथ से, यूथ बोल के नहीं, छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक मैं यही गुजारिश करूँगा कि अपना सेहत का ख्याल रखिए। ये कोविड के बाद तो इतना मुश्किल हो गया है, हर घर डरा हुआ है। अगर कोई भी फिटनेस में अगर अच्छा मजबूत रहा तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ों से निकल के आराम से आ सकता है। अगर आप मार्शल आर्ट नहीं करना चाह रहे, आप इतना हार्ड गेम नहीं करना चाह रहे, आप जिम करिए, आप स्पोर्ट्स में, आप एथलीट जैसे कि रनिंग हो गई है राइट, आप इसमें जूस, आप साइकिलिंग करिए, आप मतलब बच्चे को आप कोई भी स्पोर्ट्स में डालिए, ताकि बच्चा आपका फिट रहे, डिसिप्लिन रहे, अखलाक रहे। क्योंकि तो स्पोर्ट्स ऐसी चीज़ है कि बच्चा अखलाक में और डिसिप्लिन रहता है। आजकल अपने माशरा ऐसा है, ओल्ड सिटी की बात बढ़ता हूँ मैं स्पेशली, रेस्पेक्ट ख़त्म हो गई है बच्चों में, अखलाक। क्यों, तो हैदराबाद जो है अखलाक से बहुत फेमस है, बाप ने बिरयानी से फेमस है, तो वो कम हो रहा है। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि स्पोर्ट्स में आने से बच्चा बहुत ही डिसिप्लिन में आएगा और अपने स्टेट के लिए, अपने देश के लिए और अच्छे से खेल सकेगा। नाज़रीन, ये थे नवीद साहब जो स्टार कराटे क्लब के कोच। माशाल्लाह, हम आपको 99 की जानिब से हम आपको मुबारकबाद देते हैं कि जो है आपको बहुत बहुत मुबारक हो, कि जो है आपका स्टूडेंट जो है एक चैंपियन बन कर आए। शुक्रिया, और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, 99 टीवी का भी बहुत शुक्रिया, बाकी जितने भी यहाँ पर मीडिया आई थी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमेशा सपोर्ट करते हैं मार्शल आर्ट को। जज़ाकअल्लाह, थैंक यू सो मच। थैंक यू।